संतप्त मान से शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 157 और 58वीं गाथा की टीका चल रही थी, है ना, जिसमें अपन यहाँ आ गए थे। विशेष प्रकार की क्षयोक्षम दशा में रहने वाले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी रूप उद्गलों के अनुसार परिणति में लगे होने से, शुभ उपराग को ग्रहण किया होने से, जो उपयोग ये उपयोग के विशेषण हैं सब हैं, जो उपयोग जितनी अब पीछे बात की ना, तो वे सब उपयोग के विशेषण हैं। क्षयोक्षम दशा में रहने वाले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी उद्गलों के अनुसार परिणति में लगा होने से, सारे विशेषण उपयोग के हैं। शुभ उपराग को ग्रहण किया होने से, जो उपयोग परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमेश्वर और सिद्ध भगवान और साधुजनों की श्रद्धा करने में तथा समस्त जीव समूह की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह शुभ उपयोग है। सारी दुनिया के जीवों को उन्हें दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भाग हैं? एक अरहंत सिद्ध और उसके साथ में साधु जन माने पंच परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय और साधु। एक और तो इनको, इनके प्रति श्रद्धा भक्ति इनकी, और दूसरे में फिर सारी दुनिया। अब इनकी तो श्रद्धा भक्ति इनके प्रति ऐसा व्यवहार होगा हमारा, और बाकी सारी दुनिया का यदि कोई व्यवहार हमारे साथ होना है तो वो सिर्फ करुणा का होना है, क्योंकि एक देव दूसरे देव का तो करता है ही नहीं, तो कर तो कोई किसी का कुछ सकता ही नहीं है। अब ये है कि जो करुणा भाव रागी जीव की सहज वृत्ति है, अरहंत तो सिद्ध भगवान के तो वो भी समाप्त हो जाती है, और साधुओं की करुणा बिल्कुल अलग टाइप की होती है। सन्मान योग सूचक चूल का में साधुओं की करुणा के बारे में अपन ने बताया है, उसमें इस प्रकार का चिंतन किया है, आपको आइडिया होगा तो, कि वो ये मानते ही नहीं है, उनकी मान्यता में कि कोई जीव रोटी कपड़ा और मकान की कमी से दुखी है, माने भोग सामग्री उपलब्ध नहीं है इसलिए दुखी है। सारा जगत तो यही मानता है, और ज्ञानी जन ये नहीं मानते हैं, और वे मानते हैं कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से दुखी है। ये फंडामेंटल अंतर है। चौथे गुणस्थान से लेकर सब ऊपर के ऐसा ही मानते हैं, लेकिन चौथे पांचवें गुणस्थान में कमजोर भूमिका होने की वजह से ऐसा मानने के बावजूद भी निरंतर इन पांच इंद्रियों के विषयों में उनकी प्रवृत्ति भी देखी जाती है भूमिका के अनुसार। मिथ्या दृष्टियों जैसी तो नहीं, लेकिन वो जो देखी जाती है वो मिथ्या दृष्टियों से जैसी भी नहीं और उन जैसी भी, जरा समझना इसको, ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत सावधानी से समझना, उन जैसी नहीं, क्योंकि उनकी श्रद्धा की वजह से अनंत गुणा फर्क है, वैसी तीव्रता वैसा वो जो है ना उनमें, उसमें वो सुख बुद्धि नहीं होने से, लेकिन बाहर में देखने में, क्योंकि जो अंतर है वो तो जो दिखाई नहीं देता उसका है। अब पांच इंद्रियों के विषय खाना खाना, शादी विवाह करना, दुकानदारी करना, धंधा पानी करना, नौकरी करना,
ये पांचवें छठवें पांचवें चौथे पांचवें उन्नीस स्थान में देखी जाती है, तो इनमें क्या फर्क दिखाई देगा? क्या बाजार में बैठा एक सम्य दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि जो बाजार में बैठे हैं और जो दुकान कर रहे हैं, तो उस दुकान में से कोई ग्राहक आगे ये पहचान सकता है कि ये सम्य दृष्टि है ये मिथ्या दृष्टि है? जैसी उसकी परिणति में अंतर हो, पढ़ने में अंतर तो होगा, अंदर की गृद्धता में अंतर होगा पैसे के प्रति, लेकिन वो जो बाहर का व्यवहार तो वो पूछेगा कि ये किताब कितने की है, तो देख के बताएगा 25 रुपए की है, वो मिथ्या दृष्टि भी बताएगा जो कीमत उस पर लिखी है। मैंने किताब का नाम जानबूझ कर इसलिए लिया कि बहुत सी चीज़ें तो बिना कीमत लिखी होती है ना, सब्जी मंडी में जाओ तो और भी अनाज रोजीना भाव बदलते रहते हैं, इसलिए कोई कम ज़्यादा भी बता सकता है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी रेट पहले से निश्चित है और उस पर लिखी होती है और रेट के हिसाब से ही वो बिकती हैं, कोई कमीशन वमीशन देवे स्पेशल किसी को तो अलग बात है, लेकिन आप दवाई लेने जाते हो तो बाज़ार में तो 25 दुकानें हैं, किसी भी दुकान पर जाओ सम्य दृष्टि की पे चाहे मिथ्या दृष्टि पे चाहे अनुमिति की पे, उस दवाई के पर जो रेट लिखा होगा वो पैसा मांगेगा आपसे, किसी को कोई 10-5% कमीशन दे देता है क्योंकि वो हमेशा उसके यहाँ से लेता है, ज़्यादा दवाइयाँ लेता है, वो उसकी बात छोड़ देना, तो वो अंतर सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि का नहीं है कि वो सम्य दृष्टि कमीशन दे देगा और मिथ्या दृष्टि नहीं देगा। तो आप समझे ना कि बाहर के व्यवहार सब एक से, अब मिथ्या दृष्टि भी ऐसा है जो क्रियाकांड में कहीं सम्य दृष्टि से भी ज़्यादा है, मतलब उसका शुद्ध सात्विक है, तो वो भी नहीं खाएगा आलू जमीकंद, शुद्ध सात्विक भोजन करेगा, पानी छान के पिएगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा, तो सम्य दृष्टि में भी होगा अनुवृत्ति में भी होगा, तो इनमें क्या अंतर दिखाई देगा? ये अंतर की गृद्धता में अनंत गुणा फर्क है, अनंत गुणा कह रहे तो कोई कल्पना की बात नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय है ना, अनंत गुणा माने अनंतानुबंधी कषाय से पुष्ट। तो इसलिए जो मैंने कहा कि अंतर भी है और अंतर नहीं भी है, बाहर से ऐसा देखने में अंतर नहीं आएगा। दूसरा ये भी कारण है कि आप व्यापार करने बैठेंगे तो बाजार में तो मार्केट से आपको वो करना पड़ेगी प्रतिद्वंद्विता, क्या बोलते हैं उसको आपको, कि जो 10 आदमी बेचेंगे उसी भाव आपको भी बेचना पड़ेगा, नहीं तो फिर 9 आदमी मिलकर आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे कि ये सारा बाजार बिगाड़ता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, मेरा मतलब समझे ना। अरे बाजार में प्रतिद्वंद्विता होती, बोली लग करके अनाज वगैरह खरीदते हैं ना व्यापारी, तो आपको बोली ही लगानी पड़ेगी और आपके नाम पे बोली टूटेगी तो ही आपको माल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जिसके नाम टूटेगी वो मिलेगी, तो उससे तो प्रतिद्वंद्विता ही करनी पड़ेगी ना। जवाहरात का काम लेके बैठोगे तो वो माल को देख करके ही आपको बताना पड़ेगा कि हम इस भाव ले सकते हैं कि इस भाव दे सकते हैं, ऐसे ही सब करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनसे कुछ अलग हटके कुछ विशेष बात नहीं होगी, वो जो आदर्श उदाहरण होते हैं 2-4 वो सिर्फ उदाहरण के लिए ही होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि वे समझदारी के नहीं होते हैं, लेकिन बात तो ऐसी है। जैसे एक उदाहरण आता है, मेरे समझना बहुत सावधानी से समझना, दुरुपयोग मत करना कहीं, नहीं तो पिट सकते हो, इसलिए कहता हूँ कि श्रीमद के सामने कोई समय साल लेके आया और उनने देखी तो उन्होंने उसको ये कहा ये तो गजब का शास्त्र है और खोबा भर के रत्न दे दिए, क्या उनकी फिल्म में भी दिखाया उनने और अपन लोग भी कहते हैं, तो ये सत्य हो सकती है, रत्नों को खोवा भर के देने का मतलब समझते हो, अरबों रुपए के होते खो, असली जो रत्न हैं जो नकली नहीं हैं, असली जो रत्न हैं उन्हें खोवा भर रत्न होना, उनके पास थे खोवा भर रत्न, मेरा मतलब समझे ना,
ये बहुत महंगे होते हैं, करोड़ों रुपए के होते हैं, उनने वो दे दिए, उनके पास थे भी उतने, और जो भी दे दिए होंगे तो वो कोई समझदारी का काम है, उसको उनको कुछ बहुत से बहुत कुछ देने का भाव आया था ना, तो नगद पैसा देते ना तो उसके काम आते, वो रत्न तो बाजार में बेचने जाएगा ना तो कौड़ी के भाव बिकेंगे, दूसरे जो जवेरी लूट लेंगे उसे, वो क्या जाने, वो क्या समझे कौन क्या कैसे जाएगा, उनकी एक कप चाय नहीं पी सकता उन रत्नों से वो, और वो घटना घट भी गई होगी तो वो कोई ऐसी आदर्श घटना नहीं है कि मैं भी अपनी जा करके तुम गुल्लक में से उठा करके और वो आगे कोई भी दे दूंगा तो मेरी समझदार की महिमा आएगी। समझदार को पढ़ने से, अध्ययन करने से, गहराई में जाने से, जीवन समर्पित करने से वो समझदार की महिमा है। तो आप कहेंगे साहब क्या बात करते हो, कहाँ इतने रत्नों, कहाँ इतना, तुम्हारा जीवन उन रत्नों से कम है। एक एक उन्हीं श्रीमद रायचंद ने एक मनुष्य भव की कीमत कितनी है इसके बारे में क्या लिखा, ऐसा लिखा ना वो कितना अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से भी अधिक मूल्यवान है जिसका एक समय ऐसी ये मनुष्य पर्याय, तो अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से तो श्रीमद की वो रत्न थे वो चक्रवर्ती की संपदा के बराबर होंगे। तो तुमने अपना जीवन समर्पित किया है ना, तुम और सब लौकिक पढ़ाई छोड़कर, जबकि तुम जानते थे कि हमारे इतने बढ़िया नंबर हैं तो हम कोई जाएंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे, ऐसी नौकरी हमको मिल सकती है, ऐसा मोटा मोटा आइडिया तो आज बच्चे बच्चे को है कि नहीं है, हैं? और उसके आपके अंदर में रुचि थी और तीव्रता से रुचि थी कि हमको जैन दर्शन समझना है, तो आप आए हैं। तो मैं पूछता हूँ कि आपका समर्पण क्या छोटा है, आपने अपने इस मनुष्य भव के 5 बरस दिए हैं वो उन रत्नों से कम कीमती हैं, इसमें कितने चक्रवर्तियों की संपदा लग जाएगी दांव पे, बोलो कोई है ना, एक समय में इतने चक्रवर्तियों की संपत्ति से भी ज्यादा मूल्यवान है, तो ये मनुष्य भव की एक एक क्षण की कीमत है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब आदर्श हैं, अच्छे हैं, उदाहरण देके महिमा होती है, आहा भी लोग करते हैं, लेकिन जब विवेक से विचार करते हैं तो वो कहते हैं ना वो कि ये बात तो बहुत अच्छी है लेकिन ये वो कौन उस तर्क की तुला पर खड़ी नहीं उतरती है, क्या समझ गए, इसमें हिंदी में कोई अंग्रेजी में तुम्हारी क्या कहेंगे, तर्क की तुला पर वो खड़ी नहीं उतरती है, माने वो जीवन में व्यवहार्य नहीं है, वो अपनाने लायक नहीं है, वो ऐसा आदर्श नहीं है कि जिसे हम अपनाए जाए, पर इतनी ही बात है कि तुम्हें इसकी बहुत महिमा होनी चाहिए, और वो महिमा अकेली रत्नों से ही नहीं होती है, हैं? इस देश में 125 अरब से ज्यादा मनुष्य रहते हैं तो कितने लोगों के पास रत्न है, आधा परसेंट तो है ही नहीं, लाखों में एक आदमी के पास कोई रत्न कभी देखा होगा उसने, नहीं तो देखे ही नहीं है रत्न असली, ये जो दोसी मोसी पहना देते हैं तो सब नकली हैं, ये कांच के टुकड़े हैं, क्या है? ये तो ऐसे हैं। मैं एक मिनट की बात सुनाता हूँ कि अमेरिका में एक एलए करके शहर है लॉस एंजलिस, तो उसमें एक हीरे जवाहरात की दुकान थी, तो वो लोग बोले कि चलो चलो इस पर चलें और अपन खरीदें, तो भाई ने भी कहा कि चलो अपन भी देख लेते हैं, मैं कह रत्नों की दुकान है एलए की, अपन क्या रत्न मत्न, अपन अपने पास कहाँ क्या है कि जो अपन रत्न मत्न खरीदेंगे, ये नहीं 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 वो अपने पास जितने पैसा है उतने में भी मिलता है बढ़िया हार, क्या वो अमेरिकन डायमंड का मिलता है, अमेरिकन डायमंड समझ गया है ना, बिल्कुल नकली वो उनका मिलता है, तो वो रत्न तो नहीं है,
कहने को तो वो दुकान वही है, इतना वहाँ गए तो उनने देख करके सभ्यता के देख दाख कर पसंद किए। तो वो आदमी तो हिंदुस्तानी ही था बेचने वाला। उसने कहा आप कहाँ से आए? कि हिंदुस्तान से। अच्छा हिंदुस्तान से आए तो आप यहाँ से क्यों खरीद रहे हैं? आप जो हिंदुस्तान में ही खरीद रहे ना, ये तो हमारे यहाँ मद्रास से आते हैं, वो मद्रास में बनते हैं। जैसे मेरा मेरे भाई बहन उनकी फैक्ट्री यहाँ मद्रास में है, मद्रास में चेन्नई, तो तुम वहीं से खरीद लेना। ये बटन है, ये बटन लगे होते हैं हीरे वीरे के बटन, तो हमें कहा कि यहाँ अच्छे मिलते हैं। तो हम भी गए दुकान पे, हम दुकान पे गए तो वो मुमुक्षु था, तो हमने एक जोड़ी बटन लिए। दो चार जोड़ी ले लो। मैंने कहा नहीं भाई साहब, हमको क्या रत्नों का एक जोड़ी बहुत है वैसे। तो उसने हमको पैसे ही नहीं दिए। तो वो हमें श्रीमद रायचंद जैसा लगा। क्यों? सारा खेल दुनिया का ऐसा है, समझ रहे? मतलब महिमा वाचक शब्द अलग होते हैं और वस्तु स्वरूप के निरूपक शब्द अलग होते हैं। ये अंतर हमारे समझ में आना चाहिए। और जब वो उसकी महिमा बताई जाती है तो महिमा होना, उसका मतलब विरोध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए। इसमें कोई श्रीमान रायचंद की निंदा तो नहीं है, उनने तो जो कुछ भी दिया होगा, उनने कोई तुम लोग उसकी महिमा करो इसके लिए थोड़ी दिया होगा। कोई बात करेगा ऐसी, उनने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनके पास जो चीज होगी उस वक्त हाथ में, जैसे मान लो वो समय साल 100 रुपये का था, उस समय 100 रुपये से कम का नहीं आता होगा, क्योंकि हस्तलिखित होते थे और वो लिखवाने में बहुत वो खर्चा होता था। तो उन्होंने उसको 500 रुपये की चीज दे दी होगी। वो जो रत्न होंगे, जैसे अपन रत्न खोबा भर बोलते हैं, वो 200-500 रुपये से ज्यादा के नहीं होंगे। मेरा मतलब समझे ना? तो इतना हमको समझना चाहिए कि उन्होंने जो असली कीमत से कई गुनी कीमत दे दी। आया समझे ना? तो ये ऐसे ही विवेक से हमको निर्णय करना चाहिए। दो अपन ने अभी क्या बात कर रहे थे, सारे दुनिया के जीवों को दो भागों में बांटा। अभी दुनिया को नहीं, वो तो अपन जीव जीव के नाम से बांटते हैं ना, संसारी जीवों को नहीं, दुनिया के सब जीवों को दो भागों में बांटा। तो एक में रखे पंच परमेष्ठी और दूसरे में रखे सारी दुनिया, और पंच परमेष्ठी के साथ हमारा भक्ति भाव का नाता है, वे हमारे किस काम के हैं कि हम उनकी भक्ति करें, बस इस काम के हैं। और तो कुछ करते नहीं जैन धर्म में, भगवान कुछ देते नहीं, लेते नहीं, करते नहीं, किसी का भला बुरा करते नहीं, तो अपने किस काम के रहे भगवान? फिर हम उनकी भक्ति करें तो इसी काम के रहे ना, तो भक्ति से तो जो मिलेगा ना वो, अरे ये तो तुमने वो शुभ भाव मिलेगा, शुभ भाव होगा तो पुण्य बंधेगा, तो तुमने भगवान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। माने पुण्य जैसी हे चीज को का संबंध तुम भगवान से जुड़ रहे हो। तो हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो पुण्य हमें ना मिले, इसलिए हमको लेना पड़ेगा। लेकिन वो कोई उनकी महिमा की बात नहीं है। आप पढ़ते हैं ना रोजाना, पुण्यम समग्र महमेक मना जो होमी, उसका अर्थ तो समझते होंगे, बताया होगा आपके अध्यापकों ने आपको। उसका सीधा सच्चा अर्थ है पुण्यम समग्रम, माने समग्रम माने संपूर्ण, पुण्यम माने पुण्य, संपूर्ण माने जो अभी तक मेरे पास था वो, और अभी जो आपकी पूजा करने से मैंने कमाया है कि कमाऊंगा वो सब हो गया ना, समग्रम पुण्यम। एक मना,
माने उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं तेरे मन में है कि दूं के नहीं दूं, दूं के नहीं दूं। एक मन से माने बिल्कुल निस्वंद भाव से मैं और जोहोमी, एक मना जोहोमी, मैं एक मन से होमता हूं। होमने का अर्थ तो समझते ही हो आप। माने भगवान तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे दरबार में आया हूं सो पुण्य कमाने आया, ये है ये कह रहे हैं। मैं तो पुण्य को जला रहा हूं कि भाई साहब ये तो पाप को जलाने की जगह है, पुण्य को क्यों जला रहे हैं? तो वो कहते कि नहीं पाप, यहां पाप है कहां? पाप तो मैं घर ही छोड़ के आया हूं। जब घर से मंदिर को चला था तो पाप भाप तो उसी वक्त छूट गया था। हाँ होता नहीं, दिष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, संसार का ताप का हरण करने वाला जिनेन्द्र का भगवान का भवन दिखाई दिया। तो यहां मैं नहीं पाप माप जलाने नहीं आया हूं, मंदिर को अपवित्र नहीं करूंगा मैं, लेकिन समग्रम पुण्यम पुण्य कमाने नहीं आया हूं। जो सब लोग पुण्य कमाने की भावना बात करते हैं ना, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये मूल संघ के सम्यक दृष्टियों की पूजा है। कहां लिखा? सब बोलते हैं एक साथ, मुझे कुछ सुनाई। मूल संघ के सम्यक दृष्टि तिनके पुण्य कमावन काज, करु जिनेश्वर की यह पूजा धन्य भाग्य है मेरा। अब जरा उसको संस्कृत का बोलो। तस्मिन् ज्वलत् विमल केवल बोध बन। ये थोड़ी बुलवाना उसका जो पुण्य कमावन काज बोल लेना तुम, पुण्य कमावन काज है ना। सुदृष्ट मूल संग सुकृताम सुकृतई कहे हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधि रेक। मूल संग के एकमात्र सुकृत का हेतु, इसमें सुकृत है, कमावन कहाँ है? मुझे अनुवाद में बहुत गड़बड़ है, ये बताने में रहा हूं मैं आपको। उसमें सुकृत एक हेतु, उस सुकृत का एकमात्र हेतु है, माने वो उसे पाप नहीं बनेगा, उससे मोक्ष भी नहीं होगा, केवल सुकृत है, अच्छा काम है, आप समझिए ना, पुण्य है। मैं पुण्य कमाने नहीं आया हूं, क्योंकि वहां तो लिखते हैं मैं सारा पुण्य जो भी होमता हूं, तो परस्पर विरुद्ध हो गया ना। लेकिन जिन लोगों ने ये पुण्य कमावन काज लिखा उनने वहां भी मिट्टी पलीत कर दी है। हाँ पुण्य पुण्य जोहोमी है ना, जोहोमी का अर्थ तो होमना होता है ना, होमने का अर्थ तो अग्नि में जो धूप जो होमते हैं वो डालते हैं घी में, वो ही होता है ना, जानते हो ना अच्छी तरीके से। तो उसे मैं जलाता हूँ आपके सामने, क्लियर है ना। अब पढ़ो आप हिंदी का। करूँ समस्त पुण्य आह्वान, आह्वान है जो हुई का अर्थ आह्वान होता है। तुम तो संस्कृत के विद्वान हो, मैं सारे पुण्य को बुलाता हूँ, पुण्य को बुला रहे हो, आह्वान करना है कि जलाना है, तो यानी उनको वो जचा नहीं, पुण्य को जलाना नहीं जचा, सुकृत को भी उन्हें पुण्य को कमाना ही लगा। मुझे मैं जानता हूं पुण्य बंद होगा, लेकिन मैं पुण्य बांधने नहीं आया। मैंने आपको नमस्ते की है, अपने गुरु जी की सेवा की है, उससे पुण्य बंधेगा, लेकिन हे गुरुदेव ये आप पक्का समझना कि मैंने पुण्य कमाने के लिए आपकी सेवा नहीं की है, ये तो मैंने बिल्कुल आपके प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति है उसके लिए मैंने आपकी पूजा की। दोनों में अंतर समझ में आता है ना, और अंतर हम समझते हैं कि नहीं? हमारे घर में ही हमारा विद्यार्थी हमारे पैर दबा रहा है उसमें, और हमारा एक नौकर हमारे पैर दबा रहा है जो बाजार से आया है, जो 200 रुपया लेगा और हमारे घंटे पैर दबाएगा, दोनों में फर्क है कि नहीं है? है ना,
वो हमारी इसे 200 रुपया लेने के लिए पैर नहीं दबा रहा है, उसके हृदय में हमारे प्रति जो आस्था है और वो देख रहा है कि हमें तकलीफ है, तो उसने उसका भाव आया है। वो यहाँ आप समझ गए ना, वो भाव आना चाहिए आज दुकान। मुझे कई दफ़े विकल्प आता है कि मैं लिख दूँ इसका, अभी मैं कहाँ कहाँ माथ मारोगे क्यों? फिर वो होता है कि वो उनका था अच्छा था, वो बढ़िया था, अभी फिर अच्छा बढ़िया बताओ है? आप संस्कृत के विद्वान हो ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो लोग समझेंगे भी नहीं, ये कहेंगे पंडित पंडित जलते हैं आपस में, एक दूसरी बुराई बुराई करते हैं। देखो कैसे कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे कई जगह है, इन पूजनों में कई जगह है जो लोगों ने बदल दी है ना, पुण्य पाप सब नाश के, ज्ञान वाहन प्रकाश नहीं देती है। पुण्य नाश के कैसे? पुण्य भी नाश के, गले ही नहीं उतरती है। तो उन्होंने कह दिया पाप पुंज सब नाश के, पुण्य की जगह पुंज कर दिया है? वो एक शब्द है ना अघ, अघ का अर्थ पुण्य पाप दोनों होता है, और सब ने उसे अघ का अर्थ पाप ही कर दिया, जल्दी अघा है बस पाप 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 ना सुनो पाप ना सुनो। तो अपनी बात कहाँ चल रही है? मतलब मैंने दो भेदों में डाला, कहाँ कौन सा? एक में सारी दुनिया और एक में पंच परमेश्वरी। पंच परमेश्वरी से हमारी क्या रिश्तेदारी है? कि हम उनकी भक्ति करें बस, खत्म, श्रद्धा से बिना किसी चाह के। और जो वस्तु की व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के अनुसार जो भी होना होगा, पुण्य पाप बंद जैसा होगा हो जाएगा। हम वीतराग भाव से उसको भी स्वीकार करते हैं, करना चाहिए। क्यों? मैंने 8-10 दिन पहले ये बात समझाई थी ना कि मुझे जो सुव्यवस्थित व्यवस्था है अनादिकालीन और हरेक केबली के ज्ञान में आई हुई है, उसमें मेरे को नो ऑब्जेक्शन। समझ में आया ना? क्या कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए पुण्य, नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है तुम्हें वो व्यवस्था स्वीकार नहीं है। तुम्हारा ना चाहिए वो चाहिए का सवाल कहाँ है? तुम्हारी चाह किसने पूछी? वो तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है कि उसको स्वभाव आएंगे वो पुण्य बनेगा। पुण्य को चाहना अलग बात है और पुण्य होना बंधना अलग बात है। देखो अपन अपन क्या समझते हैं, चाहे नहीं हो तो उसी नंदा हो, या तो हम उसे छाती से लगा लें और नहीं तो ऐसा फेंक दें, और ऐसा आराम से शांति से प्रेम से विराजमान नहीं कर सकते। छोड़ना हो तो भी हैं, क्या तो हम फेंकने की बात करते हैं फटाफट और या माथे पर चढ़ाते हैं? शांति से जिसकी जैसा स्थान है वो अपनी जगह रहे, बने तो बन जाएगा है? तीर्थंकर प्रकृति बांधने की इच्छा तीर्थंकर प्रकृति बांधने वालों को नहीं होती है, वो बंधती है। तो उन्होंने कहीं पर एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए है? बंधती है तो बनती है, बन जाती है। इस बीच का वीतराग भाव है जो असली जैन धर्म है, वो हमारी समझ में नहीं आता है? मैंने बोल बताया था, बहुत कोशिश की थी और मैंने मुझे पक्का भरोसा है कि पूरी तरह से समझ में नहीं आया, तो मुझे मरते दम तक कोशिश करती रहनी चाहिए। और मैं कभी भी मौका मिलेगा 10-5 दिन में तो मैं ऐसे करता रहूँगा। क्या कि वो जो मध्यस्थ भाव जो इस पंक्तियों में है कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, इसका ही भाव हम अच्छी तरह समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मौत आए तो मरने को तैयार है क्यों? नहीं साहब वो तो मौत आई तो एकदम रोने लग गए थे, रोने लग गए थे, कोई दिक्कत नहीं है क्यों? रोने में कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ? अरे भाई यदि भयंकर सिर में दर्द होगा तो आंख में से आंसू आ ही जाएंगे, वो उससे उसके श्रद्धा का कोई संबंध नहीं है। जब देह छूटेगी तो किसी किसी को तकलीफ हो सकती है, जिस किसी को नहीं हो सकती है, तो कोई कहे कि वो जिसको तकलीफ हुई वो पापी था, जिसको तकलीफ नहीं हुई धर्म, ऐसा कुछ नहीं है।
क्यों नहीं है? देखो कि हार्ट अटैक सबसे खतरनाक बीमारी है ना, उस पर हम लाखों रुपया खर्च करने को तैयार है सबको, और वो एक सेकंड झटके में आता ख़त्म हो जाता है, उसे तकलीफ होने का मौका ही नहीं मिलता है, तो बढ़िया वो अच्छी है। और एक जैसी बीमारी है, चमड़ी की बीमारी होती है, सारा शरीर सड़ जाए लेकिन मरता नहीं है आदमी इस बीमारी से। एक अभी महाराज थे, क्या नाम था, धर्मभूषण जी, वो खानजी स्वामी का ही पूरा साहित्य पढ़ते थे और अपन लोगों से बहुत बात्सल्य भाव रखते थे। उन्होंने एक जगह तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि ये पंच कल्याणक तभी होगा जब डॉक्टर भारत लाएंगे, और वो मुझे समाधि मरण लेना है तो उनसे पूछो, वे बताएंगे जो मैं करूँगा। मैंने बहुत अच्छे, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके सारा शरीर में ये चमड़ी की बीमारी हो गई थी, समझो सारा शरीर सड़ गया था। अब क्या क्या नाम बीमारी के मैं नहीं जानता हूँ, एक एक पोर पोर में भयंकर दर्द है, और हार्ट बढ़िया, किडनी बढ़िया, लीवर बढ़िया, माथा बढ़िया, सारे अंग एकदम एवन। अब ये अंग खलास हो तो मौत आती है, ये चमड़ी के बीमारी से कुछ नहीं होता। अभी बहुत लोग उनके पीछे पड़े थे कि आप समाधि मान ले लो, क्यों, आपको बहुत तकलीफ है, आपको ले लेना चाहिए। और वे कहते थे कि मेरे से राय जानना चाहते थे, तो मैं तो कहते कैसे 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 ले सकते हैं, ये मरने की स्थिति ही नहीं है। मरने की स्थिति होए कैलाश सिंह जी तब तो ले सकते हैं ना समाधि, आप समझ गए ना। तो तब लोग मुझे ऐसा समझते थे कि जैसे मैं उनका शत्रु। मेरा मतलब आप समझ गए क्या, कि ये तकलीफ, आंख में आंसू आना, रोना मोना, ये कुछ नहीं है, ये तकलीफ का परिणाम है, ये इसकी श्रद्धा को थोड़ी बताता है क्या, कि वो बिल्कुल शांति से ऐसा मर गया और वो एकदम रोते रोते मरा, उसे आंख में आंसू ही टपक रहे थे। अब आंख में आंसू, अंदर में रंज मात्र भी, रंज ना हो, तकलीफ ना हो, तो भी आंख में ऐसी तकलीफ हो सकती है कि उसमें आंसू टपके तो क्या कर रहे हैं क्या। पर एक आदमी ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल तकलीफ हो ही नहीं। मैं तो इसी बात का बहुत पक्ष वाला हूं कि यदि बात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस ठीक रहे तो मृत्यु के समय रंज मात्र भी तकलीफ होने वाली नहीं है। शांति जी, जैसे देवताओं की मृत्यु होती है, उनकी होती है ना भोग भूमियों की, ऐसी जमाई आई आ और बस खत्म, निकल गए प्राण, छींक आई और प्राण निकल गए, ऐसा ही है बिल्कुल। ये नियम नहीं है कि मरते वक्त तो तकलीफ सबको होती ही है, हो सकती है, अधिकांश को ऐसा देखने में आता है, वो बातें अलग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए जब मैं समाधि की बात करता हूँ तो मैं बार बार उस वक्त की आलोचना करता हूँ कि हमने ये रो रो करके तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु में भूत सब इतना घबरा दिया है कि लोग समाधि मरण का नाम सुनते ही भाई हाय राम जी मैं तो ठीक है, मैं तो ठीक है, उसे घबराने लगे। समाधि मरण से घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने लिए बहुत बढ़िया चीज है। ऐसा थोड़ी है कि समाधि मरण नहीं लेते तो वो तकलीफ नहीं होती, वो तकलीफ अलग चीज है और समाधि मरण अलग चीज है। सहज जो स्वरूप है, तो क्या स्वरूप है, अपने दो संबंध बताए कौन कौन से, मैं भूला नहीं हूं, पंच परमेश्वर जी के प्रति भक्ति का संबंध है निस्वार्थ भाव से, जो लिखा ना पंचासी काय की टीका में, जो मोक्ष महा प्रकाशक में उद्धृत की है, के अस्थान में राग के निषेध के लिए, और क्या है, दो शब्द हैं इसमें मोक्ष महा प्रकाशक में, नीचे टिप्पणी में लिखा है भक्ति के प्रकरण में,
खोटी जगह राग ना जाए इसके लिए, और दूसरा शब्द और है, इनके लिए ज्ञानियों के भी कभी कभी भक्ति होती है, ऐसा लगा। ऐसे कुछ रोजाना का काम नहीं, पढ़ के सुना जरा। हाँ, वही पंचास्ती का व्याख्या में कहा है, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है, तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या को स्थान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। कदाचित लिखा ना, कदाचित ज्ञान अनिवार्य नहीं है, हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है, कदाचित ज्ञानी के भी होती है ना, और मिथ्या दृष्टि की तीव्रता लिखी क्या लिखा, वो ज्यादा होती है। यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। भक्ति ही बस भक्ति है, भक्ति 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 तुम्हारे सामने चलता है, ये लगा ले। कहते हैं आपने तो भक्ति का आधे घंटे का कार्यक्रम होता है, ये 8 घंटे की पूजा ये क्या है, समझ गया। तो ये जो है ये इसके लिए ज्ञानी के भी होती है, तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसे पुण्य भी बन जाएगा तो ज्ञानी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो पुण्य के लिए भक्ति नहीं करेगा। वो तो कितना बढ़िया उदाहरण है, क्या गुरुजी के पैरों में बहुत तकलीफ थी, आपने देखा तो आपने गुरुजी के पैर दबाने लग गए, तो बिल्कुल आपकी इच्छा गुरुजी के आगे ना पुण्य कमाने की थी, ना आपका कोई भी ऐसा नहीं था, ये विशुद्ध एक आया था कि नहीं तकलीफ नहीं हो। अब वे गुरुजी थे इसलिए वो भक्ति कह देंगे हम उसे, और यदि साधारण आदमी होगा और उसको भी कोई तकलीफ हो जाएगी तो हम उसके भी दबाएंगे पैर, तो उसे हम करुणा कह देंगे। यही तो है ना कि हमने उसके जो पैर दबाए तो करुणा के लिए दबाए, समझ गए ना। दादा आई कहीं थोड़ा उसका सिर दबा देते, पैर दबाना नहीं तो सिर तो दबा ही देते हैं ना, ऐसा करके कर देते, वो होता कुछ नहीं उससे दबाने फमाने से, लेकिन दबा दे तो देते हैं ना। तो उसको ये कह रहे कि वो क्या क्या कह रहा, भक्ति और उनके लिए करुणा, पर हमारे दो ही संबंध हो सकते हैं, भक्ति भी राग रूप है और करुणा भी राग रूप है। भक्ति भी करने से कुछ नहीं होने वाला है, मतलब कुछ कोई आकांक्षा की से नहीं की जाती है, और करुणा भी वो है तो मिथ्यात्व का चिन्ह, लेकिन ज्ञानी के भी आती है, तो वो ज्ञानी की करुणा मिथ्यात्व का चिन्ह नहीं है, उसमें अनंतानुबंधी का पुट होगा और इसमें अनंतानुबंधी का पुट नहीं होगा, समझ गए ना। उसमें मिथ्यात्व का छोंक लगा होगा और इसमें नहीं होगा, उन दोनों में अंतर होगा है? उसको भी हमें समझना चाहिए है? कि कभी समर्थन करने लगते हैं और कभी विरोध करने लगते हैं। गुरुदेव पे ऐसा आरोप बहुत लगता है, भक्ति का विरोध करते हैं भक्ति, और ऐसी भक्ति करते हैं कि हाँ गजब हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसी बढ़िया भक्ति करते हैं। गुरुदेव लोग क्या करते हैं, कैसा आप इतना बढ़िया गाते हैं, नाचते हैं। अरे नाचते तो बाबू भाई थे, और जो ऐसे ही है ना थर्ड क्लास के फोर्थ क्लास के और जो भी हैं वे उचकने लगते हैं है? और गुरुदेव का, गुरुदेव ने तो कभी नाचा नहीं होगा, किसी ने देखा उन्हें गुरुदेव को नाचते हुए। मैं तो 25 साल तक उनके साथ में रहा हूँ और बहुत नज़दीकी से उन्हें कभी नाचते नहीं देखा, और नाचने में रस लेते नहीं देखा, बल्कि नाचते थे लोग चाहे तो वे नीची गर्दन करके ऐसे बैठे रहते थे, जितनी देर बर्दाश्त होता था नहीं चुपचाप उठ के चले जाते थे। क्या माने गुरुदेव को, हम कौन सा आदर्श माने है? गुरुदेव कौन है? जैसा वो सोनगढ़ की भक्ति, भक्ति देखो तो सोनगढ़ की देखो, और सोनगढ़ की माने गुरुदेव की, माने ये सब हमारे तुम्हारे एरे गहरे नथु खैरों के काम उनके नाम मर गए, लेकिन वो दुनिया में प्रशंसा कहलाती है तो कोई विरोध नहीं करता, हाँ हाँ बहुत बढ़िया हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। सुबह पूजा होती थी तो फिर वहाँ जाके शांति से बैठ के सुनते थे, कभी कोई हाथ में अर्घ देता दे देता होगा तो चढ़ा देते होंगे, लेकिन ऐसे अष्टद्रव्य से ऐसा अर्घ चढ़ाते मैंने नहीं देखा उन्हें। ख्याल में आई ना, शाम को भक्ति होती थी 3-4 बजे,
तो वहाँ जाके बैठ के शांति से बहुत गंभीरता से उसे सुनते थे। माने उसमें उछल कूद के दंत मात्र भी नहीं थी। क्या दो ही काम थे ये मुझे बताना था इसमें साधु। अब विशिष्ट उदय दशा शुभोपयोग की बात हो गई, अब अशुभोपयोग की बात कर रहे हैं। विशिष्ट उदय दशा में रहने वाले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी पुद्गलों के अनुसार, माने ये उसका नाप बता रहे। विशिष्ट उदय दशा में दर्शन मोहि चारित्र मोहि का उदय था तो उसमें उनके कैसे परिणाम होते, कोई निमित्त का ज्ञान करा दिया साथ में। अनुसार परिणति में लगा होने से अशुभ उपराग को ग्रहण करने से जो उपयोग में अशुभ हो पा गया। परम भट्टारक महादेवादि देव वही बात ली है, यहाँ भी वही फिर परम भट्टारक द्वारा लगाया वही के वही शब्द। ये अम्बे चंद की विशेषता है, एक दफे उपाधि लगा दी तो दूसरी दफे नहीं लगाते, लेकिन नहीं वो वही की वही बिल्कुल हू लगाएंगे। महादेवादि देव परमेश्वर अनंत सिद्ध और साधु जनों के अतिरिक्त अन्य उन्न मार्ग की श्रद्धा करने में, पर इन्हें छोड़कर और बाकी की श्रद्धा भक्ति उनके मुझ में करने में। ये और विषय कषाय उसके लिए उन्हें क्या लिखा था, करुणा भाव। अब ये विषय कषाय कुश्रवण कुविचार कुसंग, अपन सब समझते हैं कुश्रवण माने क्या, श्रवण माने सुनना, कुश्रवण है ना, कुविचार कुसंग और उग्रता आचरण करने में प्रवृत्त वह अशुभ उपयोग है। तो ये शुभ और अशुभ उपयोग के दोनों की सामान्य परिभाषा उन्होंने बताई। मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ भी और भी दो चार जगह मैंने कुंद कुंद की देखी तो उनके शुभ भाव की और अशुभ भाव की जो मर्यादा है वो यही है, और इसी का मैंने सहारा लेकर वो मैंने प्रवचन सार विधान में और नियम सार विधान में जो उनके मुनिराजों के शुभ भाव का वर्णन किया है वो इसी में वो इतना ही लिया है, यानी वो बिल्कुल आगम के अनुसार है। क्या आगम में जो बताया है कि उनके कैसे शुभ भाव होते हैं और कैसे अशुभ भाव हो सकते हैं, जी मुनिराजों के तो नहीं होंगे, छोटे मजी ने लिखा कि उनके अशुभ भाव की सत्ता ही नहीं रही। और करुणान योग में और बारीकी में जाएंगे तो जो होता होगा छठवें गुण स्थान तक कौन सा ध्यान होता है उसका विरोध नहीं है, सामान्य कथन है। अब आचार्य जयसेन ने दुश्रुति दुश्चित्त और दुष्ट गोष्ठी इनकी कुछ और इनको विशेष बात समझाई है। हम क्या कहें, दुश्चित्त किसे कहें, दुश्रुति किसे कहें और दुष्ट गोष्ठी किसे कहें। अब अपन उनसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, मैं समझता हूँ कि खोटा चित्त में गंदे गंदे भाव आना, गंदे गंदे विचार होना, गंदे गंदे लोगों की संगति होना, गंदे गंदे लोगों की संगति होना, ये सबसे बड़ा बात तो ये कि आप जब यहाँ आ गए हो तो वो खोटे लोगों की संगति से आप बच गए। मैं जानता नहीं था लेकिन मुझे अभी अभी जानने में आया है कुछ दिन पहले, साल दो साल पहले, कि आज कॉलेजों का स्वरूप इतना खराब हो गया है कि वहाँ तो एक मिनट रहने लायक नहीं है। माने अपने कैरेक्टर को ही बचाना वहाँ कितना कठिन है। सुना है मैंने, तो मुझे भरोसा नहीं होता कि ऐसी बातें हो सकती हैं। तो यहाँ आकर आप उस नरक से निकल के आ गए हो, मैं खुद भी वहाँ से छोड़ के आया हूँ ना, तो मैंने बोला ना मैं भी वहाँ लोकप्रिय अध्यापक था, मुझे कभी कोई पढ़ाने में वहाँ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जो पढ़ाना पड़ता था वो मेरे चित्त को पसंद नहीं था। पढ़ाने में मास्टर तो था, सब मुझे आता है, कभी कभी आप लोगों को भी सुना देता हूँ, बता देता हूँ, है ना। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब मैं 18-19 वर्ष की उम्र में वैराग्य जैसा और जैसा काव्य लिख सकता हूँ
तो उन सब बातों से मैं परिचित तो हूँ ही, जो मतलब इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, कभी उन बातों में जानता नहीं था उस तरह से काव्यों में। अब मुझको ये था कभी मैं अमृतचंद को पढ़ाऊँ, आत्मख्याति को पढ़ाऊँ, इन सब चीज़ों को मेरी जो थोड़ी बहुत अकल है, बुद्धि है, अध्ययन हुआ है, तो इसमें ही मेरा खर्च होना चाहिए एक एक समय। तो जब मैं यहाँ आया था 31 वर्ष का था, तो मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं दिगंबर शास्त्रों के अलावा कोई शास्त्र ही नहीं ज़्यादा पढ़ूंगा। संदर्भ के लिए देख लेना पढ़ लेना वो अलग बात है, लेकिन जैसे अपना आद्यो 500 अध्याय कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, वो पढ़ाऊंगा भी नहीं। यहाँ उस वक्त श्वेतांबर साधु बहुत आते थे और वो चाहते थे कि उन्हें पढ़ाने के लिए कोई आए, और पढ़ाने के लिए गाड़ी भेजते थे, और जो भी मांगो वो पैसा देने को तैयार है। मैं प्रतिज्ञा ली, मैंने कहा नहीं कि मैं इस बाउंड्री के बाहर जाकर किसी को पढ़ाने नहीं जाऊंगा, जिसको आना है वो इधर आए। अब उनके साधु बिहार तो पैदल करते हैं, तो उन्हें तो पैदल आना पड़े, अपन को गाड़ी से ले जाएं, तो मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा और मैं दिगंबर शास्त्र ही पढ़ाऊंगा, ये भी मैंने कहा। तुम कहे फलाना वो पढ़ा दो आचारांग सूत्र, ये तो मैं नहीं पढ़ा सकता था, ऐसा नहीं है कि तो आप लोग जानते हैं कि सब इतने जानते हो तो सब पढ़ा सकते हैं पढ़ के, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। दिगंबर शास्त्र पढ़ना हो, कोई 31 वर्ष की उम्र में प्रतिज्ञा ले ली थी। यहाँ एक दफे बहुत पीछे पड़े थे, तो तब वीर सागर यहाँ था, तो मैंने वीर सागर को भेजा फिर कभी तू जाके उन्हें पढ़ा, और खाली वो महीना दो महीने जाके चौमासे में पढ़ा के आया था कि नहीं महाराज उनको उनके, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरे उसमें मन ही नहीं लगता। मैं इसमें समय खराब करूं? अब मैं इसके लिए कि मुझे श्वेतांबर आचार्य को पढ़ाना है और बहुत बड़ा नाम होगा, तो उसके लिए मैं फिर श्वेतांबर ग्रंथों को पढ़ूँ, गहराई से पढ़ूँ, ऐसा तो मेरे से होता नहीं है कि भाई ऐसा हल्का फुल्का चाय जैसा पढ़ा दिया, मैं तो उसको पूरी गहराई में जाकर के पढ़ता पढ़ाता हूँ ना। तो ये तुम बहुत बहुत बड़े नरक से बच गए हो, तुम कल्पना तुम्हें नहीं है। कभी जब तुमको इसको मनुष्य भव की महिमा आएगी ना, तब तुमको उसका अंदाजा लगेगा। अभी तो पछतावा भी हो सकता है, वहाँ जाते तो कैसे बन जाए, क्या बन जाते, क्या बन जाते, है ना। अब उसकी ज़्यादा कहानी किससे कहने से कोई फायदा नहीं है। जरा जयसेनाचारी को पढ़ लेना चाहता हूँ मैं। शुद्धात्म तत्व की प्रतिपादक श्रुति, इसको वो श्रुति कहते हैं, शुद्धात्म तत्व की चर्चा जिसमें हो, माने जिनवाणी माने आगम, ये है सुश्रुति। श्रुति माने है ना, शुद्धात्म तत्व की प्रतिपादक श्रुति सुश्रुति है, जिनवाणी सुश्रुति है, आगम सुश्रुति है। ऐसा भी लगा सकते हो, शुद्धात्म तत्व का प्रतिपादक जिनवाणी सुश्रुति है, शुद्धात्म तत्व की प्रतिपादक आगम सुश्रुति है, तीनों में लगा सकते हो पूरे विशेषण, समझ गया ना। और उससे विपरीत दुश्रुति है बस, अथवा मिथ्या शास्त्र रूप श्रुति दुश्रुति है। ये बनारस के कैलाश चंद जी वगैरह विद्वान इधर आए, यहाँ पर अपन ही बुलाते थे उनके लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ कुछ विषय न्याय शास्त्र वगैरह का पढ़ाएं, तो वो सबको कहते थे, हमको भी कहते थे और विद्यार्थियों से भी कहते थे कि भाई अन्य दर्शनों का भी अध्ययन करना चाहिए, उसके बिना ज्ञान पूरा नहीं होता है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैंने इस बात का भी बहुत कहते थे कि हमारे विद्यार्थियों को जो अपन कोर्स बताते थे ना, तो उन्हें उतने में संतोष नहीं होता था। मैं कहता था हमारा तो उन्होंने कहा श्रोताभ्यास सहस्री श्रुतम श्रीमन नहीं सहस्र संख्या नहीं विज्ञायते यही वे स्वसमय पर समय सद्भावा, अकेली अष्टसहस्री पढ़ो और हजारों शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा, अकेली इसके पढ़ने से स्वमत का व परमत का ज्ञान हो जाएगा। तो हमको तो उतना ही ज्ञान कराना है जो हमारे न्याय शास्त्रों में परमत का खंडन है, उतना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय पढ़ लें बस खत्म, उसमें जो परमत की जितनी बातें आई हैं खंडन किए हैं
हमारे विद्वान के लिए पर्याप्त है। हंसी जी, मेरी धारणा अभी भी ऐसी है और तब भी थी, और वो ये कहते थे कि नहीं उनकी किताबें, उनकी सब वो पढ़ना चाहिए। अब ये तो अपने यहाँ तो स्पष्ट दुश्रुति लिखी ना, तो अगर श्रद्धा से पढ़ो ये परम सत्य है तो दुश्रुति कहलाएगी, ये बात भी ठीक है, लेकिन हम क्यों अपना समय खराब करें? हमारा काम बहुत शांति से चलता है, समझे नहीं आप? मेरा मतलब ये है कि हमने जितना भी परमत का और स्वमत का हमें ज्ञान है पर्याप्त है, उसे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जितना न्याय व्याकरण का ज्ञान है वो भी पर्याप्त है। टोडामल जी ने कहा ना कि बाकी फिर अपना अध्यात्म का करो। मोक्षमा प्रकाशक में मार्गदर्शन किया है ना, थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, फिर थोड़ा ये करना चाहिए। तो मैं अपने पे कहता हूँ कि हमारे लिए पर्याप्त है, अब हम क्यों करें, हम क्यों उसमें माथा मारें? आप लोगों के लिए भी जो यहाँ के कोर्स में जितना है वो पर्याप्त है मेरी श्रद्धा के हिसाब से। इसलिए अब तुम्हारे कोर्स में हो कोई किताब कॉलेज की में, जैसे क्या जैन दर्शन है ना, बल्ली उपाध्याय का है, किसका है, जो भी हो वो पढ़ना, उसके लिए निषेध नहीं कर रहा हूँ मैं, समझे ना, उसमें अरुचि की बात नहीं है, वो तुम्हारे कोर्स की किताब है। लेकिन फिर भी हम सारी दुनिया को पढ़ते रहें, अपनी जिंदगी मनुष्य खराब करते रहें, उससे क्या फायदा है? हैं, वो टोडरमल जी के हिसाब से जितना है वो पर्याप्त है ना। देखो, चिंता रहित होकर आत्मा में लीन मन वो सुचित्त है, और उस आत्मलीनता का विनाश करने वाला मन दुश्चित्त है, अथवा स्व और पर के इच्छित काम भोग की चिंता रूप परिणत रागादि अपध्यान दुश्चित्त है, परम चैतन्य परिणति को नष्ट करने वाली संगति दुष्ट गोष्ठी है, अथवा परम चैतन्य परिणति के विरोधी कुशील पुरुष आदि की गोष्ठी ये दुष्ट गोष्ठी है। तो ये निश्चय और व्यवहार दोनों ही हो गए, समझे ना, ये खोटी संगति है। दुष्चरित्र लोगों के पास साथ में रहना एक मिनट भी ये अपने लिए अच्छा नहीं है, ख्याल में है ना। और ऊपर लिखाना क्या, चैतन्य परिणति को नष्ट करने वाली संगति दुष्ट संगति है। अपने जो अपनी असली श्रद्धा का विषय है, देखो कला 72 पुरुष की जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और दूसरा जीव उद्धार। बहुत मार्मिक छंद है जी। वैसे तो पुरुषों की 72 कलाएं होती हैं, लेकिन 2 कलाएं सरदार हैं, माने श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। 2 कलाएं हरेक में होनी चाहिए, तो कौन सी, कि एक जीव की जीविका, 2 रोटियों की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार और एक आत्मा का कल्याण। पर अब 2 बातों पर जाऊँ, या तो आप जो भी पढ़ो तो जीविका के लिए पढ़ो और या आत्मा के उद्धार के लिए, बाकी का हमें क्या कहना है। हमें अभी एक लड़का यहाँ आया था, वीर सागर के साथ आया था, पर वो शायद अपने यहाँ पढ़ा है और 2-3 साल पढ़ा होगा, फिर उसे निकाल दिया गया था। तुम जिसको समझ रहे वो नहीं है, ये दूसरा है। और वो वीर सागर के साथ आया था, और वो रात के 11 बजे जब वीर सागर जाने लगा तो उनके साथ मेरे पास आया कि साहब आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। उन्होंने कहा तुम रात के 11 बजे आया है, अभी क्या प्रश्न पूछेगा, तू 3 बजे दिन के आ मेरे पास तो मैं तेरे को बात करूँगा। तो वो ज़्यादा आग्रह करने लगा, वीर सागर भी सिफारिश करने लगा। मैंने कहा ये मेरी रात खराब करेगा, और मैंने कहा मेरा अभी, मैं 12 बजे के पहले नहीं सोता हूँ, लेकिन मेरा कार्यक्रम है, मैं घूमता हूँ पढ़ता हूँ, जो भी मेरा है सुनिश्चित है, मैं इसे नहीं दे सकता। तो उसने, वीर सागर ने उसे समझाया कि तुझे यदि बात करनी है तो तू रुक जा। वो दिल्ली जाने वाला था उनके साथ, और कल दोपहर में दादा के पास 3 बजे आ जाना,
तेरे से बात करेंगे तो वो 3 बजे आया, वो तुम्हारे मतलब की बात है इसलिए सुना रहा हूँ और कोई मतलब नहीं। तो उसने ये सब बातें हाँ वहाँ की, लोग मुझे पागल समझते हैं, ऐसा समझते हैं, ये करते हैं, मैं ये अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना। बहुत बहुत शांति जी तुमसे भी मिला होगा है, तुम समझ गए सबसे भी, और वो कहते वीर सागर को भी ऐसी बातें करता होगा, उनके पास पढ़ता है, परीक्षाएं भी दी हैं, मतलब कोई एकदम ऐसा नहीं था। तो मैंने उसको बहुत शांति से समझाया, वो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बेटा एक तो तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम एक ऐसा अध्ययन करो, ऐसी डिग्री लो कि जिससे तुम्हारी आजीविका स्वतंत्र हो जाए। ये तुम्हारे शादी मादी तो उसकी हुई नहीं थी, माँ बाप भी तुम्हें अनंत काल तक नहीं खिलाएंगे और ना उनके भरोसे पे उन पर बोझा डाल के रहना चाहिए। अपने आजीविका की व्यवस्था खुद करो और खुद रोटियां बना के खाना सीखो, तो फिर आत्मा के कल्याण और ये सब बातें जो तुम कह रहे बाद में है। मैं कहा हम तुम लोग ऐसे पागल ही होते हैं, उसे कहा कि जो एक जगह लग गए तो लग जाते हैं, और ये सब लोगों को ऐसा लगता है कि जी तो यही नहीं करता ये नहीं करता, तो तुम्हारी पराधीन वृत्ति तुम छोड़ो। ये तुम्हारी ये सब चीजें जो जगत को नापसंद है, तुम कहते तुम्हारे माँ बाप को भी नापसंद है, वो दूसरों के भरोसे नहीं चल सकती, समाज के भरोसे भी नहीं चल सकती कि हम तो चंद्रा उड़ लेंगे तो बराबर समाज तो हमारे खाने पीने की व्यवस्था करेगी, समाज भी फिर तुम अपने हिसाब से चलाती है। ऐसा नहीं समझना कि तुम चाहे जैसा अध्ययन चाहे जैसा प्रचन चाहे जैसा करो और फिर समाज रोटियां खिलाएगी, धोखे में मत रहना। और उसे मैंने बहुत शांति और प्रेम से समझाया, तो मुझे खुशी इस बात की उसकी समझ में आ गया। उसने कहा दादा आपकी बात मेरी समझ में आ गई और मैं जरूर ऐसा ही करूँगा। तो तुम्हें ये सब परीक्षा के समय पर आ गई, परीक्षा ही नहीं देना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं। जिस चीज से भी तुम्हें आजीविका मिले, इतनी स्वतंत्र आजीविका कि तुम अपनी व्यवस्था कम से कम कर सको, कि दूसरों के भरोसे नहीं रहो, तो यही सिद्धांत, एक जीव की जीविका और दूसरा जीव उद्धार, ये मैंने उसे समझाया। तो यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये आजीविका के संबंध में तुम्हें जो करना होगा, अभी भाग्य की बात है, हमारे और तुम्हारे भी महापुण्य का उदय है कि पहले 10,000-5,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती थी ये पंडितों को विद्वानों को, पर अभी तो लाख लाख की मिलती है। एजुकेशन में कितना पैसा आ गया है, जिन मास्टरों को 5-10 हजार मिलते थे उनको अब 80-90 हजार मिलते हैं। इतनी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी तनख्वाहें, तो गवर्नमेंट में सबको नौकरी बहुत मिलती है, उसके हिसाब से समाज में कोई भी बढ़ानी पड़ेगी बढ़ा ही रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बढ़िया समय है ये जैन धर्म के गहरा अध्ययन करने के लिए, और इसमें दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। कौन कौन से? एक जीव की और दूसरा जीव उद्धार। और वो जीव का हमारा इसी में हो वो पाप नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी जीविका के लिए 8 घंटा दूसरा काम करेगा तो वो थक जाएगा, तो वो आत्मा के कल्याण का और जैन धर्म की सेवा का काम उतनी ताकत से नहीं कर सकता। और आपका जो मूल टेम है काम का, वो भी इसमें ही लगे तो इसमें जैन दर्शन का भी बहुत कल्याण है और अपना भी कल्याण है। और आप लोग कोई फिर भी आप त्यागी तपस्वी हो, क्यों? कि आप वो और अच्छी मिल सकती थी, इंजीनियर बनते तो उससे भी ज़्यादा आपको आजीविका का साधन मिल सकता था, तो वो लोग छोड़ के आप आए हो तो भी आप की प्रतिष्ठा उससे कम नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि जो आप कर रहे हो उसमें हीन भावना नहीं रखना, क्या कभी मेरे कोई धर्म की आजीविका। ऐसे बहुत अभागे लोग हैं जिनने ऐसा सोचकर अपनी ज़िंदगी खराब कर ली, उनने
जिंदगी मनुष्य भव की जो अभी चक्रवर्तियों के समान बताई थी मैंने कीमत शांति जी, उनने 10-50 लाख रुपया में बेच दी। वो पढ़ने पढ़ाने में लग गए, मेरा मतलब समझ गए ना, दूसरे कामों में लग गए। आखिर आपने वो हिंदी पढ़ाओ संस्कृत, वो कॉलेज में संस्कृत पढ़ाओ और उससे तनख्वाह लो तो वो तो धर्म नहीं है, वो तो पाप नहीं है। और आत्मख्याति पढ़ाओ और उससे लो तो पाप मिला गया, राग हो गया, ऐसे कहाँ का न्याय लाए, है ना बुद्धि का अधीन है। एक किताब छपाई हमने प्रेस में, तो जो लोक की किताब हमने छपाई उससे जितने पैसा लिए, और अपने धर्म की किताब छपाई तो उसमें कागज लगेगा ना, छपाई लगेगी ना, मजदूर लगेगा ना, तो उसे उसे मजदूरी देनी पड़ेगी ना है? तो यदि हम वो किताब 100 रुपये में छापते हैं और ये हमने 90 में छापी तो हमने बहुत बड़ा उपकार किया है, हमने इससे कोई कमाई नहीं की है, ये हमारा वो नहीं हो गया इसमें पाप। जैसे ही हमारा जिस श्रम से हम जो और काम करके जो पैसा ले सकते थे और धर्म के काम में उससे ज़्यादा हमने श्रम करके और उससे कम पैसा लिया, इसलिए उसमें हीन भावना की लंच मात्र भी बात नहीं है। धर्म के कल्याण के लिए भी और अपने कल्याण के लिए भी दोनों अत्यंत उपयोगी है। बहुत पवित्र भाव से, बिल्कुल निश्चिंत भाव से कि हम कोई हल्का काम नहीं कर रहे हैं, ना कर रहे हैं ना करेंगे, आप समझे ना। और जो जैसा आपका जीवन है वो बहुत पवित्र जीवन है, उसकी पवित्रता हम कायम रखें, ये सबसे आवश्यक है। चलिए।